हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबको स्वागत करता हूं अपने सागर टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्चुअली आज जैसा आप देख रहे हैं, हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो सीरीज था वो खत्म हो गया है और आज हम लोग देखेंगे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा एग्जाम में, इन हर एक क्वेश्चन को आज देखेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और इस 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इसका जवाब आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है 1971 में, यानी कि 1971 में पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू है, मैसेज की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है जब कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो मेरा सीरीज चल रहा था उसमें। अगर आपने अभी तक उस पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां पे जाइए, वहां पे जाकर उस पूरा वीडियो को देखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मैसेज डाइजेस्ट, सही आंसर है इसका। अगर आपको पता था तो आप यहां से आंसर देके अपने आप को नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं और इसका सही जवाब है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, एयरक्रैक एनजी, जो वाईफाई हैकिंग की क्रिया में आमतौर पर उपयोग किया जाता है हैकिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग देखेंगे, जिसमें है एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में कितने प्रकार की स्कैनिंग होती है, यानी कि एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा को रोकने के लिए कितने प्रकार की स्कैनिंग की जाती है। तो इसका सही जवाब है, ये रहा स्क्रीन पे, 3 प्रकार के स्कैनिंग की जाती है ताकि एथिकल हैकिंग में और साइबर सुरक्षा में स्कैन करके हैकिंग से रोका जा सके उसको। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच है हमारा, किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। तो पांचवा नंबर का जो जवाब है वो जवाब ये रहा आपके सामने, डॉस अटैक इसका सही जवाब है। और मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आपको अपने जब सीरीज चल रहा था वीडियो में। तो डॉस का होता है डैनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, डॉस का फुल फॉर्म होता है डैनियल ऑफ सर्विसेज, तो डॉस अटैक इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सागर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल कहा जाता है। तो इसका भी जवाब मैंने आपको बताया था और इसका सही जवाब रहा आपके सामने में, ये रहा स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल इज द राइट आंसर, इसको अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है उसको क्या कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका कोई भी एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में भी अगर साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही इसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं वहां पर। तो इसका सही जवाब है आपके सामने में, ये रहा स्क्रीन पे, जिसको कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में मैंने आपको बताया है, आप मेरे सीरीज में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां और भी डिटेल्स जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसे बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो किस चीज को बनाया गया है जो कंप्यूटर में वायरस का पता लगाता है और उसको बचाने में उसकी मदद करता है। तो आई थिंक इसका जवाब
सबको पता होगा, ये बहुत आसान सा जवाब है। नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे एंटीवायरस। यस, एंटीवायरस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। मतलब अगर साइबर अटैक आपके कंप्यूटर में हो गया है तो किस प्रकार की जानकारी आपसे मांगी जाती है ताकि आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सके। तो जिसमें क्या होता है, पासवर्ड मांगा जाता है, या आपका नाम, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या पिन, ऐसा कुछ भी चीज अगर मांगता है तो मतलब आपका कंप्यूटर। ये सब जानकारी जनरली किसी को नहीं देना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई मांगता है जिसको आप नहीं जानते, कोई नहीं मांगता जनरली। साइबर सुरक्षा में कभी भी इस चीज को नहीं मांगा जाता है, चाहे बैंक हो, मोबाइल हो, किसी भी जगह से आपको कभी भी पासवर्ड, जो नाम और जन्म तिथि आपसे जनरली पूछ लिया जाता है, लेकिन पासवर्ड और पिन तो कभी नहीं पूछा जाता है। और खास करके अगर साइबर अटैक कर रहा है तो आपको पूछा जाएगा, तो आप समझ जाइए कि मेरा कहीं ना कहीं हैक होने वाला है। तो इसका सही जवाब है फिशिंग। फिशिंग मतलब धोखा। जब धोखा देना होता है तभी आपसे आपका पासवर्ड, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और पिन इत्यादि पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा चीज पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा सीधा कि मेरे साथ कोई ना कोई धोखा करने वाला है, इससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है कि ISO का पूरा नाम क्या है, या ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। ISO stands for। तो इसका सही जवाब आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये है ISO का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये था 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल थे, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।